सब्सक्राइब कीजिए इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं प्रोजेक्टर को, और मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्टर में क्या क्या चीज़ें होता है DLP प्रोजेक्टर्स के अंदर। और अभी इस प्रोजेक्टर को ओपन करने के लिए मुझे राजेंद्र जी हेल्प करेंगे जो, और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ ओरिजिन इन्फोटेल में, जो ये भी प्रोजेक्टर का सारा काम करते हैं, स्मार्ट क्लास रिलेटेड सारा काम करते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टर्स का कुछ काम करवाना है, या नया परचेज करना है, या पुराने का सर्विस करवाना है, या स्मार्ट क्लास से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा एक बार हम राजेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पे प्रोजेक्टर्स का और स्मार्ट क्लास का सारा काम करते हैं? बिल्कुल सर, सारा काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे स्पीकर मिलेंगे आपको, DTS का सारा सामान मिलेगा, स्मार्ट क्लास से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, आपका और प्रोजेक्टर से रिलेटेड स्पेयर पार्ट सारा कुछ अवेलेबल है हमारे लोगों के पास। हम लोग ऑथराइज भी हैं एसर से, BenQ से, ये और एप्सन से ऑथराइज है हम लोग रीसेलर में। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सारा काम होता है। आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, प्रोजेक्टर से रिलेटेड, स्मार्ट क्लास से रिलेटेड। सारी जानकारी आपको, कॉन्टैक्ट की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी चलिए देखते हैं प्रोजेक्टर को ओपन करके। तो सबसे पहले हम लैंप ओपन करने वाले हैं। ये आपका लैंप है ऊपर, इस तरीके से आपका लैंप आ गया बाहर। ये हमारा लैंप हो गया। एक बार लैंप को दिखाइएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टर खुल गया है। अब इसे हम तो अब हम यहाँ पे मदरबोर्ड ओपन कर रहे हैं। इस तरीके से इसका आपने कनेक्टर्स हटा दिए, और ये रहा आपका मदरबोर्ड। थोड़ा सा ये दिक्कत देता है निकालने में। अब नीचे कनेक्शन भी हैं इसके, तो प्रॉपर तरीके से ये निकालने हैं हमें। ये हमारा मेन बोर्ड। ये हमारा मदरबोर्ड निकल गया। हाँ जी, मेन बोर्ड। मदरबोर्ड का काम होता है पूरे प्रोजेक्टर को कंट्रोल करना, फंक्शनली वर्क कराना। ये हमारे मेन बोर्ड का काम होता है। ये हमारा ब्लास्ट है, ये भी निकाल के हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा ब्लास्ट है जो लैंप को पावर देता है। इन्वर्टर कार्ड भी बोलते हैं क्या? हाँ, इन्वर्टर कार्ड भी कहते हैं, या FL कार्ड कह लो आप। ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है। और ये हमारी सप्लाई है, ये नीचे जो है हमारा, ऐसे उंगली से दिखाइएगा। ये हमारी सप्लाई है ये। हाँ जी। ये ब्लोअर फैन है जो लैंप को ठंडा करता है।
ये हीट एडजस्टमेंट फैन होते हैं, ये हीट को बाहर निकालते हैं। अब हम चलते हैं कलर व्हील और क्या नाम है फोकस की तरफ। ये हमारा ये आपका फोकस यूनिट है हमारी पूरी, ठीक है। इसके अंदर हमारी कलर व्हील लगी हुई है, टर्नल हैं। अभी एक एक करके हम आपको सारी चीज दिखाते हैं। तो ये हमारी अब कलर व्हील है, ये हमारे कलर बनाने का काम करती है। जो भी प्रोजेक्टर में कलर्स आपको दिखेंगे इसी के थ्रू जनरेट होंगे, जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा टर्नल हो गया, लाइट टर्नल जिसे कहते हैं। इसमें से लैंप की जो बीम्स बन के ठीक है अंदर लेंसों पे फोकस मारती हैं। हम आपको डीएमडी, इसमें डीएमडी दिखाते हैं। तो अब ये जो है डीएमडी यूनिट है जिसके अंदर डीएमडी लगता है, हम उसे ओपन कर रहे हैं। ये आपकी DMD यूनिट अलग हो गई, ये DMD आ गई आपकी, ये DMD कार्ड होता है और आपका। यहाँ पे आपका DMD कार्ड है और इसके ऊपर DMD लगी हुई है। हाँ जी, DMD निकालेंगे सर। ये DMD निकल गई आपकी, ये आपकी DMD यूनिट है जिसे DMD कहा जाता है। इसका काम क्या होता है सर? DMD हमारे जो इमेजेस आती हैं वो सारी इसी पे आती हैं और से रिफ्लेक्ट होके हमें सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरीके से असेंबल हो जाएगी आपकी। अरे इसको दिखाना एक बार, तो बाकी जो सारे ये अंदर की फोकस यूनिट होती है अंदर, वो भी अभी खोल के दिखाएंगे हम आपको। अच्छा ठीक है। और इस तरीके से ये DMD का हीट सिंक है, एक बार दिखाइएगा। और ये आपका DMD का हीट सिंक है, ठीक है। हमारी अंदर की फोकस यूनिट है। ये तो इस तरीके से ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से फोकस जो है बाहर फिल्टर होके बड़ा होके जूम होके जाता है ना जी। और इसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं फोकस यूनिट, ठीक है। तो ये ब्लोअर फैन है जो लैंप को कूल रखने के लिए हवा देता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टर, पूरा का पूरा डिसअसेंबल हो गया, खुल के सामने आ गया, सारे पार्ट्स आपको अलग अलग दिख गए। ये हमारी पावर सप्लाई है, ये मेन बोर्ड हो गया, ये आपका कलर व्हील है आपकी, ब्लास्ट यूनिट हो गई आपकी, लैंप हो गया, ब्लोअर फैन हो गया, ये फोकस यूनिट हो गई हमारी।